गाजियाबाद के जिला सरकारी अस्पताल में इन दिनों मरीजों का तांता लगा है। इसमें ज्यादातर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकारी अस्पताल में बच्चे को दिखाने के लिए, क्या बीमारी है बच्चे को? पोटी लग रही है। दस्त लग रहे हैं इसको? कितने दिनों से लग रहे हैं? कल से लगे हैं। क्या इलाज सही हो रहा है? सही हो रहा है, वैसे ही यहीं हुई है इसी अस्पताल में, सब कुछ बढ़िया है। मेरा चन्नी। आप यहाँ सरकारी अस्पताल में आए हैं बच्चों को दिखाने के लिए? हाँ। क्या बीमारी है आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को पोती को मेरे को दस्त लग रहा है, बुखार हो रहा है। कितने दिनों से बीमार है वो? कल परसों से हुआ। परसों से हुआ है? हाँ जी। तो डॉक्टर ने इलाज कर रहे हैं सही आप? हाँ सही कर रहे हैं इलाज। तो सर बच्चों को आजकल डायरिया और उनकी दस्त की शिकायतें काफ़ी हो रही हैं, अपने एमएमजी अस्पताल में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और कितने बच्चे मरीज रोज आ रहे हैं? इस वक्त ये मौसम ही ऐसा होता है बारिश से पहले का और गर्मियों का कि इसमें डायरिया के मरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायरिया होने का मेन कारण होता है साफ़ सफाई न रखना और बेसिकली पानी, गंदा पानी जो पीते हैं बिना साफ़ सफाई, बिना उबले हुए, ठीक है, वैसे ही पिला देते हैं बच्चों को और इस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा फैलता है। और गर्मी के मौसम में ड्यूरिंग बेसिकली मानसून से पहले और मानसून के टाइम पर ये चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती हैं। छोटे बच्चों में चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस वक्त अधिकतर केसेस डायरिया के ही आ रहे हैं। एक दिन में लगभग ओपीडी में 250 से 300 पेशेंट हमारे पास डायरिया के आ रहे हैं, ठीक है। बट साथ में हमारे अस्पताल में डायरिया में दो चीज़ें होती हैं। डायरिया का मतलब कि दस्त होना, शरीर से पानी बाहर निकलना। उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी होना। तो जब डायरिया होता है तो डायरिया की वजह से अभी शरीर में पानी की कमी नहीं है तो वो घर पे ही मैनेज किया जा सकता है। उसमें लोगों को जो हम यहाँ पे एजुकेट करते हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, मदर आ रहे हैं, पहले बोल दिया जाता है। जैसे एक जनरल पब्लिक में परसेप्शन होता है कि ORS तो कोई दवाई नहीं है तो फैली, जबकि डायरिया में असली दवाई ORS का घोल ही है। तो इसलिए माँ को बताया जाता है ORS का घोल पिलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पानी पिलाया जाए उतना।